अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डी गुड फार्म। एक और वीडियो के साथ आज हम लोग आए हैं, एक नया बकरा लेके, एक नए बकरे की वीडियो लेके। माशाल्लाह इस बकरे की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, बे इंतहा खूबसूरत है। माशाल्लाह गुलाबी है। और ये बकरे की कुछ आज हम लोग बात करेंगे कि ये बकरा किसका है, हमारे फार्म पे कैसे आया, कब आया और इसमें क्या चेंजेस आए, और हम लोग इसको लेके आगे क्या प्लान किए। ये बकरा वसीम भाई का है, वसीम भाई मदनपुरा वाले। वसीम भाई मदनपुरा वाले जो है हमारे रेगुलर कस्टमर है, लास्ट ईयर भी हमसे जुड़े हुए थे। लास्ट ईयर उनके बहुत अच्छे अच्छे बकरे मेरे पास थे, जिनमें से दो बकरे बहुत फेमस थे, हाजी मस्तान, एक बकरा था बिल्लू पाजी जो पंजाबी था, 160 केजी जो तैयार हुआ था, और उनके और भी कुछ बकरे थे मेरे पास, जैसे कि एक का नाम था पठान। माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे बकरे वो हमारे फार्म पे भेजते हैं और हम लोग वो बकरे तैयार करते हैं। तो इस साल उनके हमारे पास बकरे बहुत सारे आए हुए हैं, माशाल्लाह 8-10 बकरे उनके इस साल भी है और आगे भी और बकरे उनके आएंगे। तो ये बकरे की बात करते हैं। ये बकरा वसीम भाई ने मेरे फार्म पे बकरा ईद से कुछ दिन पहले, एक हफ़्ते पहले मेरे फार्म पे भिजवाए थे पलाई के लिए। ये बता के कि ये बकरा हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए रखेंगे। तो ये बकरा आया था जब ये 4 दांत फ्रेश किया हुआ था। इसका वज़न हम लोगों ने जब भी किए थे तो 72 kg आया था। 72 kg पे ये बकरा आया और उसके बाद माशाल्लाह हमारे फार्म पर सेल्फ फीडिंग पे ही ये बकरा है। ये बकरा आज हम लोगों ने इसका वज़न किया है, माशाल्लाह 98 kg वज़न आया इस बकरे का। 98 kg मतलब 26 किलो ऑलमोस्ट ऊपर। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया ये बकरे ने, और वसीम भाई के बाकी भी बकरों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिए। माशाल्लाह मेरे और भी क्लाइंट्स के बकरों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिए। तो ये बकरे की कुछ और बात करेंगे हम लोग। ये बकरा जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो, अगर आप लोगों ने पाकिस्तानी बकरे देखे होंगे, गुलाबी जिसको बोलते हैं, इसका लुक थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता है। जैसे कि इसका कलर पैटर्न, इसकी कमान, कमान मतलब जैसे इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जो शेप है इसकी बॉडी का, और बकरे का लुक, बकरे का एटीट्यूड, चेहरा उसका, तो काफ़ी हद तक मिलता है उनसे। ये बकरा जो है ये पीपाड़ से उन्होंने ख़रीदा था, पीपाड़ के जंगल से, जहाँ पर ज़्यादातर सोजद, सिरोही, गुजरी ये बकरे मिलते हैं। ये उन्हीं में से है, सोजद या सिरोही या सोजद या गुजरी, ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन से क्रॉस है ये। बकरे की ऑल ओवर ब्यूटी बहुत अच्छी है, बकरे के पैर बहुत अच्छे हैं, बकरे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बकरे का कलर बहुत अच्छा है, बकरे का फेस बहुत अच्छा है। माशाल्लाह एज बहुत कम है इसकी, अभी 6 दांत फ्रेश किया है बकरे ने। तो हम लोगों का प्लान है इसको हम लोग इंशाल्लाह ताला एक साल और रुकाएंगे। ये साल सेल्फ फीडिंग पे कंप्लीट होने के बाद, अगर ये सेल्फ फीडिंग पे 120 किलो तक जाता है इंशाल्लाह, तो इसे हम लोग अगले साल के लिए रोकेंगे और इसे हम लोग भराई पे लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बकरा पसंद आया होगा, इसकी खूबसूरती पसंद आई होगी, और माशाल्लाह जो इसने वेट गेन किया है ये काबिल तारीफ है। उम्मीद है वसीम भाई भी हमारे रिज़ल्ट से सेटिस्फाई है, और इंशाल्लाह हम लोग हमारे सारे क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे हमारे रिज़ल्ट से, हमारे बकरों के वेट गेनिंग से और बकरों की सफाई से। जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि हम लोगों को बकरों को साफ़ रखने का बहुत शौक है। जैसे कि हमारे खुद के भी बकरे हमारे फार्म पे पलते हैं तो हम लोग साफ़ सुथरा रखते हैं ना, तो वैसे ही हम हमारे कस्टमर्स के भी बकरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, ताकि वो कभी भी विज़िट करें तो उन्हें उनका बकरा क्लीन, साफ़ और अच्छा दिखना चाहिए। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि बकरे को हम लोगों ने कितने साफ़ तरीके से रखे हैं। इसकी कहीं पर भी गंदगी नहीं है, कहीं पर भी कीचड़ नहीं है बकरे के ऊपर, कहीं पर भी उसे पीलापन नहीं है। तो ये हमारे फार्म की खासियत है और हम लोग इंशाल्लाह इसे मेंटेन रखेंगे, हमारे सारे बकरों को साफ़ सुथरा रखेंगे, खूबसूरत रखेंगे और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देंगे। वेट गेन पे भी ध्यान देंगे, उनकी सफाई पे भी ध्यान देंगे, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे,
और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करेगी। तो उम्मीद है बकरा आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग दुआ कीजिए बकरा इस साल सेल्फ फीडिंग पे 120 kg तैयार हो जाए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग इसके लिए कुछ बड़ा प्लान करेंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे और इंशाल्लाह एक नया बकरा बताएंगे। एक्चुअली ये वीडियो में मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ हम लोग जहाँ पर शूट करते हैं ना, वो हमारे फार्म का पीछे का हिस्सा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के काम बहुत नज़दीक में चलते हैं। जैसे कि वो दोस्ती कॉम्प्लेक्स जो है हमारे फार्म के पीछे ही है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से वॉइस ब्रेक होती है, वॉइस क्लियर नहीं आते, हमारे व्यूवर्स को वॉइस बराबर सुनाई नहीं देती है, प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम लोग वॉइस ओवर पे बात कर रहे हैं। इसी बहाने बकरे को लोग काफ़ी टाइम तक देख सकते हैं, हम लोगों को देख के वैसे भी लोग बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए हम लोग बकरे को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहे हैं हमारी वीडियो में। और इंशाल्लाह फिर से एक वीडियो बनाएंगे एक नए बकरी की। ये गोट नंबर 15 हो गया, गोट नंबर 16 भी हम लोग बताएंगे, वो भी इंशाल्लाह वसीम भाई का ये बकरा बताएंगे जो कि मुंडा है, सोजत है, बहुत प्यारा है, वो भी देखने आप लोगों को मज़ा आएगी। वो भी बहुत अच्छा एट्रैक्टिव खूबसूरत बकरा है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाएंगे। और ये संडे हम लोग बहुत ही नायाब बकरा हमारे चैनल पे शो करने वाले हैं जो कि हमारे फार्म की शान है, हमारे फार्म की जान है, हमारे फार्म का पुराना बकरा है और बहुत ही नायाब है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बकरा है। एग्जॉटिक सीरीज़ जो है हमारी संडे संडे आएगी और इस संडे जो बकरा आने वाला है वो काबिले तारीफ़ है, शायद बहुत से लोगों ने वैसा बकरा नहीं देखा होगा। तो खैर आप लोग जुड़े रहो हमारे चैनल से, संडे के दिन इंशाल्लाह ताला उस बकरी की भी वीडियो तो देखना आप और आपके रिव्यूज़ देना और हमें बताना कि वो बकरा कैसा लगा। जजाक अल्लाह खैर फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।